अभी गाइस देखिए मेरा ये पीछे वाला टायर खुल चुका है। तो गाइस देखिए बैरिंग करने आ गया है, ये पड़ेगा हमारी गाड़ी में, जिसकी वजह से पीछे वाला टायर सही चल नहीं रहा था ना, कूड़ी लग रही है इसमें, स्प्रे वाली पॉलिश। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस आज मैं आया हूं अपनी स्कूटर की सर्विस कराने, और मैं समय हूं ये 100 फुटा रोड पे कयूम भाई के वहाँ, और ये कयूम मिस्त्री हैं, ये गाड़ी की सर्विस कराते हैं। आज हम आपको बताएंगे टोटल के गाड़ी ड्यूट की कैसे सर्विस होती है। तो फिलहाल बात करते हैं कयूम भाई से। कयूम भाई, इसकी सर्विस होनी है और आज दर्शकों को बताइएगा, तो एक स्कूटर की सर्विस होने के लिए सबसे पहले क्या माध्यम होता है, बताएंगे डिटेल से। सबसे पहले तो इसकी सीट खोलना पड़ती है। अच्छा। इसकी बॉडी उठा के गाड़ी को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। ये देख सकते हैं इस तरीके से कुछ खोलना पड़ता है। हाँ, खोलने के बाद आपका पूरा इंजन अलग हो जाता है, साफ दिखाई देने लगता है, फिर आराम से बैठ के इसको कर सकते हैं, सफाई वफाई हो जाती है। अच्छा, तो सफाई किस चीज की होती है? जैसे कि कार्बेटर है, एयर फिल्टर है, पहिए हैं, ब्रेक के लीवर वगैरह है, उनमें ग्रीसिंग वगैरह की जाती है। तो अभी मेरी गाड़ी में क्या क्या होना है इस समय? यही सारे काम होना। अच्छा, है। और कुछ गया उसका वो भी हो रहा है, गियर का कुछ गाइस कुछ दिक्कत आ रही तो वो भी इसमें सही होगा, गियर बॉक्स का बैरिंग खराब हो रहा है वो भी सही होगा। तो दिखाएंगे गाइस आज को। तो अपनी ये दुकान जरा लोगों को बताओ कहाँ पर है अपनी ये शॉप जो है? 100 फीटा रोड पे है। ये गाइस देखिए डेला पीर का एरिया है, ये डेला पीर का 100 फुटा रोड पड़ती है, यहीं पर ही अपनी दुकान का नाम और बता दो जरा। कयूम ऑटो सर्विस से है। कयूम ऑटो सर्विस से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ गाइस, ये देखिए इस तरीके से ये डेला पीर रोड गई है, ये डेला पीर की रोड जा रही है और ये 100 फुटा रोड है, और ये आपका कयूम ऑटो सर्विस। तो आप भी आकर के यहाँ पर कयूम भाई से मिल सकते हैं और अपनी गाड़ी की सर्विस करा सकते हैं बहुत ही अच्छे रेट से, और हमारे नाम लेंगे स्मार्ट सुमित का तो आपको कुछ डिस्काउंट भी देंगे कयूम भाई। ठीक है कयूम भाई जी। तो फिलहाल तो अभी हमारी सर्विस हो रही है, तो आज आपको पूरी डिटेलिंग में बताएंगे सर्विस किस तरीके से होती है। तो बेसिकली जो है ये स्कूटर की सर्विस एक जैसी होती है, चाहे वो होंडा की हो चाहे वो हीरो की हो, सबकी एक जैसी होती है। तो ये देखिए अभी फिलहाल कुछ इस तरीके से हमारा ये खुल रहा है और आज आपको सब पता चलेगा, देखिएगा वीडियो में किस तरीके से अभी खुलने के बाद गाइस कुछ इस तरीके से ये कितना गंदा हो रहा है, ये पूरा साफ आप होगा सब। ये देखिए अभी ये देखिए कितनी गाड़ी बिल्कुल बेकार हो रही है, और अभी इसको बाद में दिखाएंगे जब इसकी सर्विस हो जाएगी तो देखिएगा कितनी लाजवाब हो जाएगी। तो बने रहिए वीडियो में गाइस, और आज आपको वीडियो बहुत पता चलेगी कि किस तरीके से एक स्कूटर की सर्विस होती है। पॉलिश भी मशीन द्वारा करते हैं। अच्छा, मतलब जो हाथ से रगड़ने वाली पॉलिश होती है वो नहीं लगाते। अच्छा, मशीन से पॉलिश होती है, गन मशीन से, वो भी दिखाएंगे। ठीक है, जब इसमें होगी तो दिखाएंगे आपको। वाह बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या पॉलिश मिलाई जाती है? स्प्रे वाली पॉलिश। तो कयूम भाई मैं कितने सालों से जुड़ूंगा आपके साथ? लगभग 10-15 साल से जुड़े हुए हूँ। मैं आपसे जुड़ा हूँ कम से कम 2007 से, जब अपनी दुकान उधर हुआ करती थी, तो मैं 2007 से जुड़ा हूँ भाई, 15 साल हो गए मेरे को उनके साथ। पहले इनकी दुकान यहाँ नहीं थी, पहले दुकान इनकी हाईवे रोड में हुआ करती थी, तो मैं तब से जुड़ा हूँ उनकी दुकान से। तो ये देखिए पूरी खुल चुकी है गाड़ी कुछ इस तरीके से। मैकेनिक भाई हमारे खोल ले। हाँ, ये मैकेनिक भाग है, और इनको ये बचपन से जानता हूँ मैं, छोटे बच्चे को, आज ये बड़ा हो गया हाइट में मुझसे, और ये बहुत छोटा था। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? रिजवान। ये रिजवान बहुत छोटा था, और आज काम करते करते देखो कितने साल हो गए और बड़ा हो गया। तो ये अभी ये फिल्टर खुल चुका है, साफ ही है फिल्टर तो फिलहाल। तो अभी गाइस देखिए मेरा ये पीछे वाला टायर खुल चुका है मेरे स्कूटर का। मेरे स्कूटर में कुछ दिक्कत आ रही थी पीछे बैरिंग में, बैरिंग जाम हो गया इसका, तो अभी इसके बैरिंग भी सही होंगे। तो गाइस अभी देखिए पूरा मोबाइल जो पुराना मोबाइल निकल चुका है, और ये क्या चीज़ है? गियर बॉक्स जब फंस रहा था मेरा, ये गियर बॉक्स से निकल चुका है।
क्या दिक्कत आ रही है इसमें? ये वाला बैरिंग खराब है। अच्छा, इसका बैरिंग खराब हो गया, तभी ये जाम हो रही थी गाड़ी। चाची टूटा हुआ पूरा ये देखिए गियर बॉक्स पे ये टूट गया था, तभी जाम हो रही थी गाड़ी। अच्छा, तभी दिक्कत कर रही थी। अब ये नया बदलग जाएगा तो सही हो जाएगी। तो गाइस अभी देखिए सुनने के बाद हो रही है धुलाई। अच्छा, ये गियर बॉक्स का वायरिंग है ये जो खराब, जैसे गाड़ी बहुत टाइट चल रही। अच्छा अच्छा, एवरेज में भी फर्क पड़ रहा था। ये टूट गया? हाँ, ये टूट गया। अच्छा, ये गोलियां जो है ये, हाँ ये टूट गई। ये नया लग जाएगा तो गाड़ी गियर सही चलेगी, फिर बाइक स्कूटर सही चलेगा। तो गाइस देखिए बैरिंग का नया आ गया, ये पड़ेगा हमारी गाड़ी में, जिसकी वजह से पीछे वाला टायर सही चल नहीं रहा था ना, टूट गया था वो, तो ये आ चुका है नया, अब ये पड़ेगा। इसमें ग्रीस लीन लगाई जा रही है और इसको रिंग को इसमें बैठाला जाएगा। तो ये देखिए गाइस अंदर ये फिट हो गया, फिट कर दिया ठोक ठोक करके, बन चुका है। तो अभी देखिए गाइस गियर बक्सा फिट हो चुका है। बताना अगर यूं भाई क्या 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 अपना फिट हो गया, क्लच फिट हो रहा है, सेल्फ की गरारी वगैरह लगाई है। अच्छा, ये देखिए अंदर का सामान, ये क्या चीज है, ये क्या क्लच की गरारी, क्लच की, ये क्लच का कवर है। अच्छा, ये किक की गरारी है, ये किक की गरारी हो रही थी, एग्रेसिव हो रही है। अच्छा, तो देखिए अभी ये सब काम होकर के, हाँ ये फिट होने जा रहा है, निकाल करके फिट होने जा रहा है, इसको इसका काम हो चुका है, ये सारे काम होते हैं। और बैटरी भी चेक हो चुकी है और टायर भी लग चुका है हमारा, उसमें जो बैरिंग पड़नी थी वो पड़ चुकी है। और बेसिकली जो चीज़ थी, जो सर्विस की चीज़ थी, वो सब चीज़ हो चुकी है। अब इसको कसा जा रहा है बस, और इंजन ऑयल पड़ेगा भी इसमें, वो भी सेट होगा इसका, एवरेज भी सेट होगा अभी इसका। तो लगभग हो चुकी है, बस थोड़ा सा रह गया है काम, ये देख सकते हैं। अब बदना स्टार्ट हो रही है गाड़ी, सब कुछ जो एक बेसिक नीड होती है वो चीज़ हो चुकी है इसमें सर्विस की। ये हमारा सारा हिसाब साफ हो चुका है। हाँ, सारा देखिए सभी बिल्कुल, जो गंदा था वो बिल्कुल सर्विस में क्लीन हो चुका है। अगर आप बरेली में हैं, बरेली के आसपास हैं, तो आइए सर्विस कराइए कयूम भाई से। और सर्विस के क्या चार्जेस हैं स्कूटर के? 200 रुपये। और इंजन ऑयल वगैरह जो आप पढ़वाएंगे वो आपके पास, वो अलग चीज़ है। और बाइक के भी यही रेट है? अच्छा। और गाइस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से कुछ कंसेशन करेंगे कयूम भाई, बिल्कुल करेंगे हमारे माध्यम से अगर आएंगे तो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आइए बरेली में, अगर बरेली के आसपास क्षेत्र में आप रहते हैं तो ज़रूर आइए और सर्विस कराइए यहाँ से। मैं पिछले 15 सालों से यहाँ पर जुड़ा हूँ और बहुत अच्छी सर्विस होती है, यकीन मानिए। मैंने जितनी गाड़ियाँ हैं मेरे पास, मैं अपनी सब यहीं से सर्विस कराता हूँ पिछले 15 सालों से, और मुझे कोई शिकायत नहीं मिलती, बहुत अच्छी तरीके से सर्विस होती है, तभी मैं इनके पास आता हूँ। इंजन ऑयल है तो गाड़ी सर, हाँ अभी ये कैस्ट्रोल डाला जाएगा, ये जेन्युइन कैस्ट्रोल का इंजन ऑयल है, और ये आपका 10W30 है, ये अपना 4-स्ट्रोक गाड़ियों के लिए डाला जाता है। तो फिलहाल अभी ये पड़ता है गाड़ी में हमारी, और इससे हमारी गाड़ी की जान भी आ जाएगी अच्छी। फिलहाल मैं हमेशा ये पढ़वाता हूँ गाड़ी में अपने, कैस्ट्रोल का ही पढ़वाता हूँ। तो अभी गाइस देखिए हमारी हो रही है इसकी एवरेज की सेटिंग, तो वो किस तरीके से होगी वो कयूम भाई करेंगे और अभी बताएंगे आपको। देखिए ये एवरेज की सेटिंग, कोई मशीन से नहीं, कोई किसी से नहीं, सिर्फ तजुर्बे से, और काफ़ी इन्हें काफ़ी सालों का तजुर्बा है ऑटोमोबाइल लाइन का। तो देखिए ये एवरेज की सेटिंग कर रहे हैं,
बेसिकली मैं आपको बताऊं ये किस तरीके से हमने सेटिंग करी। ये देखिए रेस है ना, रेस इसको नॉर्मल रखा जाएगा हमेशा। अगर इसको नॉर्मल रखा जाएगा मतलब इसकी तेज स्पीड नहीं होगी, हल्की स्पीड होगी, नॉर्मल जितनी भी नॉर्मल होगी। कार्बोरेटर की सेटिंग होती है इसकी। अच्छा कार्बोरेटर सेटिंग होती है, सेटिंग होती है, तेल ज़्यादा खाने लगती है तो कार्बोरेटर की सेटिंग। तो अभी सही है, अब सही कर दिया गया है, सही कर दिया गया है, माइलेज अच्छा निकालेगा। अच्छा और अभी इसकी सर्विस हो चुकी है, इसे पैक करा जाएगा। मतलब पैक करने का मतलब है इसके ऊपर कवर उसका जो लगा है वो लगाया जाएगा, जो निकाला गया है। टाइपिड होते हैं, इससे स्टार्टिंग में भी फर्क पड़ता है, माइलेज में भी फर्क पड़ता है। किस चीज़ पे? ये माइलेज में भी फर्क पड़ता है इससे। अच्छा। ये टाइपिड बोलते हैं इंजन के। टाइपिड इसका क्या मकसद होता है मतलब गाड़ी के लिए? ये गाड़ी इंजन आवाज करने लगता है, छंची छंची की आवाज करता है, माइलेज भी गिर जाता है। तो अभी अभी आपने इसे सही कर दिया? इसको सही कर रहा हूँ। अरे सही कर रहे हैं, तो मतलब कहने का मतलब साउंड अच्छी आएगी गाड़ी में, जो छनछनाहट आती है वो नहीं आएगी। अच्छा हर पुर्जों का कुछ ना कुछ मकसद है गाड़ी के लिए। हो गया सही, ये ठीक हो चुका है। अच्छा इसको हम अच्छा ये इसकी कैप है ऊपर से, सेफ्टी कवर जिसे कहते हैं, इसे सेफ्टी कवर, इससे सेफ रहता है और इसकी आवाज़ जो है नॉइस हुए और कम आएगी इससे। तो अभी इसको फिट करा जा रहा है पूरा काम होने के बाद, बाद में इसकी लास्ट में इस पर पॉलिश होगी। और अभी सर्विस तो हो चुकी, सारा काम हो चुका है सर्विस का, तयूम भाई ने कर दिया है और अब इसकी कवरिंग करी जा रही है पूरी इसकी, बाद में पॉलिश होगी वो प्रेशर वाली से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए गाइस, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा वीडियो। तो गाइस अभी हमारी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, अभी लग रही है इसमें स्प्रे वाली पॉलिश। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से स्प्रे वाली पॉलिश है। तो गाइस अभी देखिए पॉलिश भी हो चुकी है, गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है और गाड़ी देखिए अभी कुछ इस तरीके से चमक रही है, बेहतरीन लग रही है गाइस, बहुत अच्छी लग रही है सर्विस होने के बाद। तो कोई भी अगर सर्विस कराना चाहता है तो कहीं भाई से ज़रूर एक बार मिलिए और सर्विस कराइए। तो बताइए गाइस आपको आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो गाइस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।